लोकतांत्रिक परंपराओं में जब नैतिकता नाम की चीज का पतन होता है तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो सार्वजनिक जीवन के लिए और सामाजिक सरोकार के लिए ठीक नहीं मानी जाती। ऐसा ही एक मामला आज जिला मुख्यालय सिवनी के राजबाड़ा लॉन में देखने को मिला, जब सिवनी विधायक दिनेश रॉय ने कांग्रेस के एक नेता को सरेआम गाली गलौज कर दी। पूरा मामला यह है कि एक निजी चैनल की डिबेट कार्यक्रम के दौरान एंकर के द्वारा कांग्रेस नेता आनंद पंजवानी से सवाल किया गया, जिस पर पंजवानी ने विधायक दिनेश राय पर आरोप लगाया, जिस पर विधायक उत्तेजित हो गए। कांग्रेस नेता आनंद पंजवानी का आरोप है कि विधायक दिनेश राय के द्वारा उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई है और कुर्सी उठाकर उन पर प्रहार भी किया गया है। मामले में समूची कांग्रेस ने एकत्र होकर कोतवाली सिवनी में पहुंचकर दिनेश राय के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। हम आपको बता दें कि स्थानीय राजवाड़ा लॉन में आज एक निजी चैनल का डिबेट शो था, जिसमें विधायक दिनेश राय, कांग्रेस के नेता आनंद पंजवानी सहित विभिन्न दलों के कई राजनीतिक व्यक्ति भाग लेने पहुंचे थे। जब यह घटना हुई, चैनल का कार्यक्रम था और हम लोग अपनी पार्टी के अध्यक्ष जी के साथ सब लोग हम लोग लॉन पहुंचे थे। किसी बात को लेके एंकर साहब ने हमसे सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया और बड़ी शालीनता से दिया और विधायक जी बोल के, सम्मान्य विधायक जी बोल के जवाब, उनको अचानक से ऐसी क्या बात लगी कि वो खड़े हुए और बोले मुझसे कि अपनी औकात में रहे। मैंने कहा मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, और वो खड़े हुए, कुर्सी उठाई और मेरी तरफ झूमे और माँ और बहन की गालियाँ दी और जान से मारने वाली बात कही। तो ये जो उनका तरीका है, ये हर बार हम लोग देखते हैं कि पिछले कार्यक्रम में भी ऐसा हुआ। ये इस बात को लेके हमने आज ये सबके साथ हमने शिकायत की है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग हमने। आनंद बंजवानी ने भारतीय जनता पार्टी के पे बहुत शालीनतापूर्वक बात करने के हमारी और जिन्हें कुछ बात कही तो उस पर मुनमुन राय तो उत्तेजित होगा तो वो गाली गलौज उतारो। क्या शिकायत दर्ज कराया? यही शिकायत दर्ज कराने आए थे कि मुनमुन राय जी ने गाली गलौज की। FIR दर्ज हो गई नहीं अभी? अभी हमने आवेदन दिया है, अब वो जाँच की बात होगी। इसमें बोल रहे हैं कि हमको रिकॉर्डिंग होता है। इसके पहले विधायक के द्वारा ऐसी हरकत की गई थी? हाँ, निरंतर दो तीन बार ऐसा हो चुका है। वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, संस्कार उनमें इसी टाइप के कि वो जरा सी बात भी गाली गलौज में उतर जाते हैं। इसके पहले भी शिकायत की थी क्या कांग्रेस ने? नहीं, अब राजनीतिक ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं, थोड़ी बहुत होती रहती है। आज उन्होंने क्योंकि अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसलिए हम लोग पिछली बार जो कुछ भी हुआ उनको सब भाषा मानी जा सकता है। नहीं, लेकिन वो गाली गलौज नहीं था पिछली बार, ज़्यादा उत्तेजित होकर उन्होंने गाली गलौज में उतर गए, इसलिए हम लोग यहाँ।